नहीं खंड। यार कसम से बहुत खुश हैं हम तो यार, बहुत खुश है दुबई में आके। मैं तो चाहता हूँ कि यार आपके ब्लॉग देख के हर कोई आए, सही में हर कोई आए, क्योंकि अगर घर की कंडीशन सही करनी तो आओ यार, इंडिया में आना नहीं है आना तो पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। बिल्कुल क्या कमाओगे इंडिया में, 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार, और एक से यहाँ बीस पे हज़ार और यहाँ पे शुरू भिड़ते ही यार 1200-1300 दिरहम में कन्वर्ट कर लो, 26-27 हज़ार बनते, हाँ वो खर्चा तो निकाल के आदमी 20-22 हज़ार बचाता है आराम से। आराम। साल भर लेट हो गए थे मैं यार लॉग इन करने के लिए, लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह, मेरे वाइफ ना निकल जाती है जल्दी, तो मैं सोचा कि थोड़ी देर में मैं उठ जाऊँगा और मेरा लॉग इन पॉइंट मैंने आलसी ये किया कि मेरा 7:30 बजे का था लॉग इन पॉइंट, तो मैं इसी वजह से मैं बोला कि चलो 10 मिनट उठ ही जाऊँगा। लेकिन संजय भाई ने अचानक से कॉल किया, शायद संजय भाई को कुछ काम आ गया था मुझसे, तो संजय भाई ने फ़ोन किया कि भाई किधर हो, तो तब जाके मुझे याद आया कि यार देख रहा हूँ यार संजय भाई से मैं बात भी नहीं कर पाया, और सीधा कपड़ा वपड़ा पहना और सीधा निकल गए, और 2 मिनट बाकी था बस लॉगिन करने के लिए, तो अपने जोन पे इतना तेज़ से आया ना मैं, 118-120 की स्पीड में अपने जोन पे भी पहुंच गया हूँ मैं, ऐसे पहुंचा और बार बार का ऑर्डर भी मिल गया और आ गए अभी यहाँ पे, ये बुटीक का बिल्ला साइड में बुटीक मिल रहा है, सारे ऑफिशियल ऑफिशियल है यहाँ पे, ऑफिशियल वाला एरिया, तो अभी पूरा सुना पड़ा हुआ है और यहाँ पे बार बार का ऑर्डर लेके आए, और अभी भी संजय भाई का ही मैसेज आ रहा है, संजय भाई का पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ गया, मैं पहले संजय भाई से बात कर लूँ। हाँ तो मैं पहुँच गया अपने करेंट लोकेशन पे, संजय भाई को मैंने लोकेशन सेंड कर दिया था, तो संजय भाई यहाँ पे मिल गया और संजय भाई का मैंने मैसेज देखा, तो जैसे मैसेज पड़ा और सीधा यहीं पे, और दोनों अगर कोशिश करें ना तो टच में आने के लिए, यहाँ पे हर कोई बंदे टच हो सकता है कोशिश करें तो, अगर इस फील्ड में है तो संजय भाई को मैंने लोकेशन भेजा, संजय भाई मेरे से पहले आके पहुँच गया था और संजय भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और संजय भाई का ऑर्डर भी मिल गया, क्लस्टर एन का JLT, और वहाँ पर भाभी रहता है। संजय भाई तो खुश नसीब वाला है, भाभी जी के आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन मैं भी मंडराते हूँ अपने घर वाले के पास, लेकिन वो थोड़ा दूर है, JVC है, नज़दीक तो पड़ता है भाई। तो दोनों भाई मिल गए यहाँ पे और एक और ब्लॉग बन गया आज का। और नहीं यार कसम से बहुत खुश हैं हम तो यार, बहुत खुश है दुबई में आके। मैं तो चाहता हूँ कि यार आपके ब्लॉग देख के हर कोई आए, सही में हर कोई आए, क्योंकि अगर घर की कंडीशन सही करनी तो आओ यार, इंडिया में नहीं आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। बिल्कुल क्या कमाओगे इंडिया में 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार और यहाँ बीस पे हज़ार और यहाँ पे शुरू भिड़ते ही यार 1200-1300 दर हमें कन्वर्ट कर लो, 26-27 हज़ार बनते, हाँ वो खर्चा तो निकाल के आदमी 20-22 हज़ार बचाता है आराम से, आराम से। सही कंडीशन करनी है तो फिर नहीं तो बना नहीं है, नहीं अगर तो मैं आज की करो और जो बंदरगस्ती करो। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ कि अगर जो बंदा इंडिया में 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, वो आप वहीं पर खुश रहो, वहीं हाँ काम करो, फिर तो ठीक है। लेकिन आदमी 10-12 हज़ार कमा रहा, फैमिली में कई 3-4 भाई होते हैं जिनके सब भाई आके यहाँ पे कमाए तो इंडिया के 1 लाख से ऊपर भेज सकते और हैं। मैं भी अपने भाई को मैं बुलाने वाला हूँ कुछ महीने के बाद, मेरा भाई भी यहाँ पे आने वाला है, तो संजय भाई का ऑर्डर आ गया शायद, मेरा नहीं ऑर्डर आया, चलो मैं भी पीछे पीछे निकल रहा हूँ आप ही के पीछे, तो वहीं पर जाऊँगा। चलो संजय भाई के पीछे पीछे निकल रहा था मैं और जैसे आधे रास्ते पर पहुँचा एक ऑर्डर आ गया मुझे, संजय भाई का तो ऑलरेडी ऑर्डर था क्लस्टर एन पे था, और लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं था, तो जाते जाते एक ऑर्डर आ गया 637 दिरहम 50 पैसे का है, ये अरबिक फूड है यार। जैसे मैंने पिकअप किया और निकला वहाँ से हाईवे रोड पे निकला, और सबसे पहले तो इस तलबात का सिस्टम मुझे पता नहीं चलता यार, ऑर्डर देते ही मुझे फ़ोन करके 2 बार फ़ोन किया, फिर हाईवे रोड पे बाइक साइड लगा के बात करना, और तलबात वाले बोल रहे कि अभी तक तुम पहुँचे क्यों नहीं यार, ऑर्डर जस्ट अभी मुझे मिला है, मैं पहुँचूँगा कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तलबात को हो क्या गया, या तो तलबात पगला गए या तो मैं खुद पागल हूँ, मैं तो पागल ऐसे हो ही रहा हूँ, और 637 दिराम का ऑर्डर मिल गया मुझे, 637 दिराम का, अब मुझे तो टेंशन हो रहा है यार, कहीं मेरा भी कैश ऑर्डर ना हो जाए, अगर कैश ऑर्डर हो जाए ना, संजय भाई ने तो अपना काम बना लिया लेकिन मेरा काम अभी बना नहीं है, 745 का टच पे हूँ मैं अभी, 745 का टच में, और जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। ये असली अरबिक है, सऊदी नागरिक है, असली अरबिक है शायद इसी का, और अरबिक फूड है टोटल, फूड काफ़ी ज़्यादा हो गया यार इसमें एक है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा ऑर्डर है, तलबात को पता होता है कि ऑर्डर ज़्यादा है तो फूड ऑलरेडी राइडर एड करवाना था, तो ये लोग ने ऑलरेडी वन राइडर एड करवाया था, लेकिन मैंने फिर से दोबारा फ्रेश चैट में बताया कि एक राइडर से नहीं होगा, 3 राइडर का टोटल ज़रूरत है, तो एक और राइडर ऐड करवाया, और पता नहीं राइडर बार बार चेंज होते जा रहा है, मैं जब भी मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ राइडर चेंज होते जा रहा है, अभी एक और राइडर एड करवाएं, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, आधा घंटा से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, मुझे पूरा 1 घंटा लग गया राइडर एड करवाने में, तलबात को पता है कि बिग ऑर्डर है, तलबात को पता है कि बिग ऑर्डर है, तो ऑलरेडी इसमें राइडर एड करवाना था ना, तो राइडर एड करवाते नहीं है, और इंस्टा शॉप का ऑर्डर मिल गया था मुझे, वही अरबिक फूड था, इंस्टा शॉप का ऑर्डर मिल गया था, और इंस्टा शॉप ने अपने तरफ से एक राइडर एड करवाया था, और एक यानी एक राइडर हो, एक राइडर में दो राइडर में तो जा ही नहीं सकता,
और सामान ज़्यादा था, तो फिर मैंने फ्रेश चार्ट में एक और राइडर ऐड करवाया। तो राइडर तो ऐड करवाया लेकिन बार बार ना हर 2-3 मिनट में वो राइडर का नेम चेंज हो रहा था। तो फिर मैंने फ्रेश चार्ट में बताया कि यार मसला क्या है, बस एक ही राइडर दो ना, एक ही राइडर, तो बार बार 2-3 मिनट में चेंज क्यों करवा रहे हो। तो बाद में आया एक अफ्रीकन राइडर है, काफ़ी देर तक वेट किया मैंने, क्योंकि एक राइडर को सेकेंडरी राइडर को मैंने भेज दिया था ऑलरेडी। तो फिर मैंने कोशिश की अपने बाइक में सारा फूड रखने के, नहीं सेट हो रहा था। फिर एक और राइडर ऐड करवाया तो अफ्रीकन आया, अफ्रीकन वो परेशान हो गया, बोल रहा है कि यार ये ऑर्डर तो मुझे अभी जस्ट आया, वन मिनट हुआ ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो यही है मसला बात का सिस्टम। तो अभी आ गए हूँ मैं वहाँ पर, ड्रॉपअप कर दे, यही मुझे मिल गया था बरसा 3 का एक ऑर्डर, और ऑर्डर लेके आया हूँ JLT में। तो JLT में जैसे याद आया संजय भाई का याद आ गया, JLT आते ही संजय भाई का याद आ गया। संजय भाई पता नहीं कहाँ है, संजय भाई अभी तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे, हो गया कहीं बिजी पे। और संजय भाई को मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि भाभी जी यहीं पे रहते हैं पीछे। तो संजय भाई आप ब्लॉग बनाना शुरू करो। और एक और बात, जब भी मैं फेसबुक का मैसेज चेक करता हूँ, कमेंट चेक करता हूँ, तो इसमें लिखा होता है कि आप अपना नंबर सेंड करो और कॉल मी, ये मेरा नंबर है, ये वो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप प्लीज़ ऐसे पब्लिक को अपना नंबर शेयर मत किया करो, क्योंकि फेक ज़्यादा हो रहा है। मेरे नाम से काफ़ी लोग अभी ये फेक कर रहे हैं, विजिट वीज़ा निकलवा के दे रहा है, जॉब लगवा दूँगा ऐसा ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता हूँ भाई, मैं किसी से बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग क्या चाहता है और किस सिचुएशन से देखते हैं मुझे। इसलिए देखो एक है सुबोध यादव जी ने अभी मैसेज किया है कि आप ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे फ़ोन करो, और आप नहीं तो आप अपना नंबर दे दो। क्योंकि कुछ अगर मेरे वीडियो आप पहले से देखे होंगे तो फिर मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि मेरा शौक नहीं अपना व्हाट्सअप नंबर रखना डिस्क्रिप्शन में। ये शायद 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, तो उस टाइम से मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी हटा दिया, और मैं किसी को जवाब देता भी नहीं हूँ, रिप्लाई देता नहीं हूँ भाई। जो होता है कभी कभार मैं दे देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, लेकिन उसी बंदे को मैं मैसेज रिप्लाई करता हूँ जो बंदा मुझे सही लगे, ताकि उसने लिखने का तरीका सही हो, बोलने का तरीका सही हो, तो उस बंदे से मैं बात कर लेता हूँ 1-2 बार, और 1-2 बार में फिर पता चल जाता है कि बंदा क्या सोच रहे मेरे बारे में। तो इसलिए आप प्लीज़ 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 आप ना ये कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप अपना नंबर शो मत किया करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा देख लेते हैं, हर एक कंट्री से देख लेते हैं, और उसी के अंदर एजेंट भी कोई है मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो उसमें एजेंट के चक्कर में आप लोग ना पड़े, क्योंकि एजेंट ऑलरेडी ठगने के लिए बैठा हुआ है पे, तो बोलेगा कि भाई मुझे मैसेज करो, ये करो वो करो। तो मैं किसी को मैं बोलता नहीं कि मैसेज करो, ठीक है, और ठगने से आप बच जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठगी हो रहा है। और अभी विजिट वीज़ा के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, रूम पे पहुँच गए तो आपको असली हकीकत बताऊंगा विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या और ना तो मैं एजेंट हूँ, ना तो मैं किसी को मैं कंटेक्ट करूँगा भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, सीधा बोलते कि कॉल में। एक और अभी मैसेज आया रवि गुप्ता बोल रहे कि सीधा कॉल में, ये मेरा नंबर है कॉल में। भाई यार मैं क्यों करूँ कॉल यार, मैं किसी को क्यों कॉल करूँ भला, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ यार, मैं बस अपना पर्सनल वीडियो बनाता हूँ, पर्सनल वीडियो दिखाता हूँ। जो बंदे को दुबई के बारे में जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो बस मेरे वीडियो से आप नॉलेज ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ, किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, मुझे ज़रूरत है ही नहीं किसी को कॉल करना, किसी को मैसेज करना। कॉल कौन करता है, मैसेज कौन करता है, जिसको ठगना होता है, इसको ठग के, जैसे कि कोई बंदे हो ऐसे, उसे ठग के पैसा खाए हड़पे, तो ये बंदा कॉल करता है। लेकिन भाई यार मैं कॉल करता नहीं हूँ, मैसेज करता ना यार। काफ़ी सारे यहाँ पर यूट्यूबर लोग हैं यहाँ पे दुबई में, दुबई जॉब क्या क्या जॉब, फलना ठिकाना जॉब सब, ये सब कॉल कर सकता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं अपने लाइन में बिजी रहता हूँ, फुल टाइम बिजी, अभी भी मैं बिजी हूँ, ऑर्डर तो नहीं है फिर भी मैं बिजी तो हूँ ना, अपने ड्यूटी में हूँ ना, बस मैं अपना पर्सनल डेली ब्लॉग ही दिखाता हूँ। पहले कभी कभार वीडियो डालता था, लेकिन अब मैं डेली ब्लॉग ही अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये नंबर ना ये कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी हो, कहीं किसी से बात ना करें, अपना नंबर शो ना करें, बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा भाई। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।